से भोपाल से खबर है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज महत्वपूर्ण बैठक ली भोपाल में। पार्टी से दूर नेताओं को जोड़ने की बैठक में तैयारी की गई। बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है और उसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। सभी नेताओं से समन्वय बढ़ाकर हम आगे बढ़ेंगे, रूठों को मनाएंगे, पार्टी से जो दूर है उसे वापस अपने साथ लाएंगे और चुनाव में जीत हासिल कर एक बार फिर सरकार बनाएंगे। मेरे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, सीहोर भी आप गए, यहां भी मुलाकात हुई है, तो क्या ये समन्वय की तैयारी और समन्वय के साथ 2023 में जो 51% वोट शेयर लाने की बात कही जा रही है उस तरफ बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और जब कोई हम कार्यक्रम बनाते हैं या चुनाव का समय होता है तो उसमें सभी कार्यकर्ताओं के सुझाव उपयोगी होते हैं। इसलिए आगे के रोड मैप के लिए क्या क्या कार्यकर्ता महसूस करते हैं, उनका सुझाव क्या है, इस दृष्टि से ये बैठकें मध्य प्रदेश भर में आयोजित की गई हैं और मैं समझता हूँ कि बैठकें बहुत उपयोगी हैं और अच्छे सुझाव आए हैं, इसका लाभ चुनाव में मिलेगा। कई बार ये भी खबरें आ रही है कि जो कई सीनियर लीडर हैं वो बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं, कार्यकर्ता जिस तरह से सहयोग देना चाहिए, हालांकि 18 में बेहतर मिला, लेकिन क्या 23 में और बेहतर करने की आवश्यकता होगी? नहीं नहीं, 23 बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और 23 में पहले से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाने में भाजपा सफल होगी। कैसा होगा आपकी बार 200 पार का जो आपका मंत्र है? स्वाभाविक रूप से पार्टी ने अच्छी योजना बनाई है, सरकार ने अच्छे कार्यक्रम तय किए हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सतत प्रवास कर रहे हैं और प्रदेश से लेकर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सक्रियता है। यही सक्रियता और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर देगा। कांग्रेस भी बड़ी सक्रिय, खासकर दोनों वरिष्ठ लीडर, चाहे हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें या कमलनाथ की बात करें, वो ये कह भी रहे कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, उसी तरह अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे, तो क्या चुनौती बनेगी? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और कांग्रेस पार्टी नेता प्रधान पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर यही है और इसलिए कभी भी कांग्रेस कुछ भी कहे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बराबरी नहीं कर सकती। नरेंद्र सिंह तोमर जी है जो समन्वय की बात भी कर रहे हैं और जरूरत भी होगी 2023 में। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उन्होंने कहा कि यहां तुलना संभव नहीं है क्योंकि दोनों ही पार्टी में बहुत अंतर है। नागिन के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल।